मुझे पाकिस्तान का दुश्मन साबित किया गया सिर्फ इसलिए कि मैंने इन वडेरे जागीरदारों के आगे सर झुकाने और अपना नजरिया बेचने, बिल्डिंगें बनाने, इंडस्ट्रियां बनाने, मुल्क का खजाने से कर्जे लेके दौलतमंद बनने से मैंने इनकार किया, मैंने इनकार किया, मैंने इनकार किया। 17 सितंबर, वो तारीखी दिन जिसके दम से करोड़ों चाहने वालों की निगाहें ठंडक पाती हैं। ये जिक्र है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन का, जिनकी सहरंगेज शख्सियत और अवामी तर्ज सियासत ने एक तवील अरसे से पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत को अपना गर्विदा बना रखा है। अजीज़ाबाद कराची में वाक़ ये वालमी शोहरत याफ्ता 120 गज़ का छोटा और आम सा मकान है, जिसे 90 कहा जाता है। यही वो मकान है जहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान भर के मजलूम महकूम आवाम के हकूक़ के हुसूल के लिए ना सिर्फ पुरमन तहरीक का आगाज़ किया, बल्कि मुल्क से फरसूदा जागीरदाराना और वडेराना निज़ाम के खात्मे के लिए अमली जद्दोजहद शुरू की। ये मकान आज भी हक परस्त तहरीक का मरकज़ है और पाकिस्तान की तारीख में इस घर की सियासी अहमियत, हैसियत और इनफरादियत मुसल्लिमा है। इस घर में कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने अपना बचपन लड़कपन गुजारा। 11 जून 1978 को जामिया कराची में ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का क़याम जनाब अल्ताफ हुसैन की सियासी ज़िंदगी का पहला संग मील और तलबा सियासत के हवाले से वो इनकलाबी कदम साबित हुआ, जिसने आगे चलकर मुल्क की सियासत को एक नया रुख दिया। जनाब अल्ताफ हुसैन की रोशन ख्याल सोच के बायस तलबा व तालबात की एक बहुत बड़ी तादाद को हिमायत पर आमादा देख कर गासिबाना फ़िक्र की हामिल क़ुव्वतों को अपना वजूद ख़तरे में नज़र आने लगा, जिसके बायस उन्होंने 3 फरवरी 1981 को जनाब अल्ताफ हुसैन और उनके साथियों को जामिया बदर कर दिया, जिसके बाद जनाब अल्ताफ हुसैन और उनके रफ़ा ने गलियों मोहल्लों की सतह पर APMSO को मुनज़्ज़म करने का बेड़ा उठाया और बिलाखिर 18 मार्च 1984 को ये जिद्दोजहद महाजिर कौमी मूवमेंट के क़याम पर मुंतज हुई। मुल्क के महरूम तबकात के लिए जनाब अल्ताफ हुसैन का दिली लगाव और अज़्म मुसम्मम देखकर उर्दू बोलने वाले अफराद की अक्सरियत महाजिर कौमी मूवमेंट की हम ख्याल और हम ज़बान होती चली गई। 8 अगस्त 1986 को नेशनल पार्क कराची और 31 अक्टूबर 1986 को हैदराबाद में MQM के फ़कीदुल मिसाल जलसे आम में लाखों अफराद की शिरकत ने इस्तेहसाली अनासिर के मुकाबले में MQM पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। उसके बाद गोया MQM ने पलट कर नहीं देखा और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की MQM का मुकद्दर ठहरी। इस ज़िम्न में 1987 के बलदियाती इंतखाबात में हक परस्त नुमाइंदों की शानदार कामयाबी ने इस मुल्क के इस्तेहसाली तबके की नींदें उड़ा दीं। MQM की रोज़ अफजू मकबूलियत से खायफ मुल्क के 2% मरात याफ्ता तबके ने मुख्तलिफ अवकात में साजिशों के ज़रिए MQM की परवाज को रोकना चाहा। ख्वाह 31 अक्टूबर 1986 को हैदराबाद के जलसयाम में शिरकत के लिए जाने वाले काफिले पर फायरिंग हो या 16 दिसंबर 1986 को सानहा अलीगढ़ और कस्बा कॉलोनी, MQM हमेशा इक्तदार पसंदों और आवाम दुश्मनों की निगाहों में खटकती रही। इस ज़िम्न में सानहा पक्का किला, जनाब अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी और 1990 की दहाई में उन पर होने वाला मुल्की तारीख का पहला खुदकुश हमला काबिले ज़िक्र है। इन तमाम हादसात के बावजूद जब MQM की कामयाबी का सफ़र किसी तौर रुकने में नहीं आ रहा था, उस वक्त मुल्क के 2% मरात याफ्ता इस्तेहसाली तबके ने 19 जून 1992 को MQM पर शबखून मारते हुए बदतरीन रियासती ऑपरेशन मुसल्लत कर दिया, जिसमें जनाब अल्ताफ हुसैन के बड़े भाई नासिर हुसैन और भतीजे आरिफ हुसैन समेत 15,000 से जायद कारकुनान और हमदर्द शहीद और मुतअद्दिद कारकुनान अगवा कर लिए गए। इन नामसाइद हालात में जनाब अल्ताफ हुसैन ने 26 जुलाई 1997 को महाजिर कौमी मूवमेंट का नाम तब्दील करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रखने का ऐलान कर दिया, ताकि हक परस्ती की इस रोशनी को मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैलाया जा सके। इस ऐलान के बाद गोया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नज़रिया मुल्क के गोशे गोशे में पहुँचने लगा और हर रंग व नस्ल, मज़हब और मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद रोज़ाना बुनियादों पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार करने लगे। आज जामिया कराची से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तमाम तर साजिशों और रेशा दवानियों के बावजूद सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब,
खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और बल्तिस्तान तक फैल चुकी है। तमाम तर रियासती मजालिम के बावजूद अवाम का जनाब अल्ताफ हुसैन पर एतमाद इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान के मसाइल के हल की कुंजी अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है।